है लोकवाणी, आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। लोकवाणी की 11वीं कड़ी के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आकाशवाणी के रायपुर स्टूडियो पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार का विषय है नवा छत्तीसगढ़, हमर विकास, मोर कहानी। इस साल 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 20 वर्ष पूरा होगा और आपकी सरकार को भी काम करते हुए 2 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे समय में इस लोकवाणी कार्यक्रम का विशेष महत्व है। आप मल्ल धन्यवाद और जम्मो सुनैया दाई दीदी सियान जवान और लैका मल्ल जय जोहार नमस्कार। ये दरी लोकवाणी की विषय तो ऐसन हावे कि आप मल्ल सुनाना है और मोला बैठ के सुनना है। फिर ये गोट जरूर कहे बर चाहता हूँ कि हमार राज्य के जनता, हमार श्रोता मन अब्बड़ समझदार है। ओकर जुझारूपन, लगन और मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ राज्य अपन जगह बनाए में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मोर पौने 2 बछर के अनुभव यही हावे कि आप मन के भागीदारी बिना कोनो सार्थक बूता नहीं हो सका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का आह्वान किया, ऐसी ऐसी जनहितकारी योजनाएं बनाई और लागू की जिसके कारण प्रदेश के विकास की दिशा और उसमें जनता की भागीदारी से सफलता की अनेक कहानियां रची गई हैं। आइए शुरू करते हैं जनता की कहानी उनकी जुबानी और फिर आपके विचार इसमें शामिल होंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। मैं दक्षिण सिंह साहू रायपुर ले बोलत हूँ। लोकवाणी कार्यक्रम में मूल प्रदेश जी की मुखिया भूपेश बघेल जी ला जोहार करत हूँ। सिरसोन में मुखिया जी अब छत्तीसगढ़ ला छत्तीसगढ़ यहाँ मुख्यमंत्री मिले हवे जिन्हा नवा छत्तीसगढ़ गढ़त हवे। हमर नंदावत तीज त्योहार, खान पान और लोक संस्कृति ला फिर नवा पहचान मिलत हवे। नवा छत्तीसगढ़ गढ़े के संग मा जुन्ना छत्तीसगढ़ के दिन मन हा फिर सुरता आवत। हाँ, लगत है कि छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया मन बर बने हवे। नवा छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सरकार के जम्मो योजना मन एकदम निक लगत है जिन वाकई में छत्तीसगढ़िया ही तैसी योजना हराए। नरवा गरवा घुरवा बारी ले लेके सरकार के जम्मो न्याय योजना मन किसान मजदूर और गरीब मन ल न्याय दवाए की योजना हराए। फिर मुख्यमंत्री जी ले मोर छोटे से आग्रह यह रही कि लोक संस्कृति, खान पान, तीज त्योहार के संगे संग हम छत्तीसगढ़िया मन की चिन्हारी छत्तीसगढ़ी भाका ला गलोक उचित न्याय देवाव। बने के दक्षरी नवा छत्तीसगढ़ के मतलब हमार नंदावत संस्कृति ला, बोली भाका ला, खान पान ला, मूल्य और संस्कार ला बचाना भी है और विकास के नवा रद्दा बनाना भी है। नरवा गरवा घुरवा बारी और न्याय योजना मल्ल मिला के देखबो तो सफा नजर आई कि जिहां ले एक बात खत्म होते वहीं ले दूसरिया बात शुरू हो जाते। हमार प्रयास हवे कि सर लगा योजना बने ते पाए के एक के फायदा दूसर बर मिलाए। जैसे गरवा गौठान और गोधन न्याय योजना, फिर वर्मी कंपोस्ट ले धान पान ला फायदा होही और बारी मन घलोक लाभ मिली। नरवा के विकास होही तो ओखर लाभ जम्मो कोती मिली। जहाँ तक छत्तीसगढ़ी के बात है तो हमन जतका एकर सेवा करबो, जतका उपयोग करबो, जतका प्रचार करबो वैसने संस्कृति और भाषा बढ़त जाही। भाषा के विकास हमार हाथ में है, बाजारवाद के जमाना है। जम्मू मन छत्तीसगढ़ी में गोठियाबो तो पूरा बाजार और कंपनी मन वही भाषा बोलही। पाछू 15 बछर में बात आगू नहीं बढ़ पाए तो वो कमी ल हमन पूरा करत हन। छत्तीसगढ़ी ल 8वीं अनुसूची में शामिल कराए बर विधानसभा ले संकल्प पारित करा के केंद्र सरकार करा भेज दे गए है। हमर ताकत के उपयोग ले छत्तीसगढ़ी भाषा ल सिरमौर बना सकत हन। यही अपील आप सब जन ल करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी योजनाओं से किसान परिवारों में बहुत खुशी का माहौल है। सबसे ज्यादा कहानियां तो किसानों की हैं, जो ये बताती हैं कि उन्होंने जितना सोचा भी नहीं था वो उन्हें 2.25 साल में मिल गया है। सुनते हैं कुछ कहानियां। मैं पुरीन चंद राकर चंदोई निवासी, मेरा संयुक्त परिवार में 11 एकड़ खेती का जमीन है जिसमें मेरा 1,05,000 रुपया कर्ज माफ हुआ और करीब 160 क्विंटल धान विक्रय किया हूँ जिसमें 3.5 लाख के आसपास अपने धान का हुआ।
और उस पैसे का बढ़िया मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। भूमि सुधार किया, खेत का फेंसिंग किया हूँ और जमीन भी लिया हूँ मैं, और दो गाय भी लिया हूँ। एक महीने में मैं करीब 30,000 को गोबर भी बेचा हूँ। मेरा नाम जीवन प्रताप सिंह, ग्राम लेपरा का हूँ। वर्तमान में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मुझे 15,000 रुपया मिला हुआ है, जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। कोरोना के चलते जो बंद था तो पूरे पैसे वैसे ख़त्म हो गए थे, ऐसे में हम लोग के पास जो है काफ़ी समस्या आ गई थी पैसे वैसे का। ऐसे समय में हमारे मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी ने जो पैसा दिए हैं बहुत ही अच्छे समय में दिए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि किसान के पास यदि पैसा नहीं रहेगा तो खेती कैसे करेगा, और किसान तो केवल अपने लिए नहीं कमाता है, पूरे देश के लिए कमाता है। हमने तय किया है कि हमें किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देनी है, इसलिए हमने धान का दाम 25 रुपए क्विंटल, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, रियायती बिजली, अनुसूचित जाति जनजाति किसानों को खेती के लिए निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं लागू की, ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आए। आप लोगों की बात सुनकर मुझे काफी संतोष का अनुभव हो रहा है कि किसानों के लिए हम जो करना चाहते थे उसमें हम सफल हुए हैं। आपकी खुशी ही यह जाहिर करती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5,700 करोड़ रुपया देने का वादा आधा से ज्यादा पूरा हो चुका है, शेष राशि भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। हमने जो जो कहा है सब पूरा करेंगे। किसी को किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरा मन लगाकर खूब फसल उपजाएं और खूब कमाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बस्तर के आदिवासी भाइयों और बहनों ने बताया है कि किस प्रकार अलग अलग योजनाओं से उनके जीवन में बदलाव आया है। आइए सुनते हैं उनके विचार। मैं श्रवण जाड़ी, गांव मेड़ापल्ली, जिला बीजापुर से हूं। हमारा गांव बीजापुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर है, जो काफी अंदरूनी एवं दूरस्थ क्षेत्र है। गाँव में सरकार द्वारा सोलर होम लाइट लगाया गया है, जिससे गाँव के लोग काफी खुश हैं। अब बच्चे रात में भी पढ़ाई कर सकते हैं। जंगल क्षेत्र होने के कारण रात को बाहर निकलना मुश्किल होता था, सांप बिच्छू का डर रहता था। बिजली आने से अब रात में खाना बनाने, टीवी देखने एवं पंखा का उपयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अनीता ठाकुर और मैं ग्राम चितालूर की रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम है माँ दंतेश्वरी स्व सहायता समूह और मैं दंतेवाड़ा से हूँ। आपके द्वारा हमारे जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुभारंभ किया गया है और पहली बार स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण दिया गया है। हमारे जिले में कुपोषित और अनिमिया को दूर करने के लिए सभी बच्चों को एवं माताओं को पौष्टिक गर्म भोजन दीदी लोगों के द्वारा बनाकर दिया जाता है, जिसमें उपयोग की जाने वाली सब्जी का उत्पादन भी दीदी लोगों के द्वारा बाड़ी में किया जाता है। साथ ही सुपोषण योजना में जो अंडे महिलाओं एवं बच्चों को दी जाती है, वह भी जिले के ग्रामीण द्वारा अंडा उत्पादन किया जाता है। मैं जिला दंतेवाड़ा ग्राम बालू से बोल रही हूँ। मेरा नाम श्रीमती सविता ठाकुर है। मैं सीता स्व सहायता समूह की सदस्य हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने जो वादा किया वो करके दिखाया है। पहले तेंदुपत्ता की खरीदी प्रति मानक बोरा 2500 रुपए मिलता था, आपके सरकार के आने से अब प्रति मानक बोरा 4000 रुपए मिल रहा है। ऐसे ही इमली इकट्ठा कर बाजार में बेचने पर प्रति किलो 20 से 22 रुपए मिलते थे, जो आज आपके पहल के कारण 35 से 40 रुपए प्रति किलो में बेच रहे हैं। इस वर्ष जिले में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की इमली खरीदी की गई है। सर, एक बात और बताएं कि उसी इमली का बीज भी निकालने से हमको अब दोबारा मुनाफा हो रहा है। बीज निकालने का 550 रुपए प्रति क्विंटल लाभ मिल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इमली का रकम बढ़ाया और इमली के बीज निकालने से हमें रोजगार भी मिला। सर, हमें किसी भी प्रकार का बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। आज आपके द्वारा स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करके हमारा और हमारे परिवार का ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। मेरा नाम गणेश तिवारी है, पेशे से शिक्षक हूँ। आमचो बस्तर के तहत आमचो रेडियो के माध्यम से कोरोना काल में स्कूली बच्चों की शिक्षा से जोड़े रखने का काम हम लोगों द्वारा किया गया। भूपेश सरकार और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आमचो बस्तर के तहत
हम बच्चों के शिक्षा के लिए नए नए प्रयोग कर पाए हैं। आमचो बस्तर के तहत बस्तर जिला में काजू, हल्दी, काफी में रोजगार से लोगों को आर्थिक उन्नति का अवसर मिला है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और आधारभूत विकास कार्यों में भी लोगों को काम मिल रहा है। हमने वादा किया था कि बस्तर में विकास की जो नई शुरुआत होगी वह आपसी समझ, आपसी विश्वास की बुनियाद पर होगी। बीजापुर से श्रवण भाई ने बताया कि उनके घर और गांव रोशन हो गए हैं, तो मन को बहुत संतोष हुआ। जब हमने सुना कि बस्तर के दूरस्थ अंचल में 11,886 घरों में बिजली नहीं पहुंची है, तो हमने यह जिम्मेदारी क्रेडा को दी और आखिर काम पूरा हो गया, रोशनी पहुंच गई। बिजली ही नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की रोशनी भी पहुंचाई गई है। सुकमा जिले के जगरगुंडा नक्सल प्रभावित गांव में 13 साल से स्कूल बंद थे, अब वे चालू हो गए। बस्तर ने कुपोषण की मुक्ति की अलग जगाई तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना बनाई गई और एक साल में पूरे प्रदेश में कुपोषण की दर 13.79% कम हुई है। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया तो पूरे वनांचल में उत्साह की लहर उठी। हमने लघु वनोपज खरीदने का दायरा 7 से बढ़ाकर 31 किया और देखिए देश में सर्वाधिक वनोपज खरीदने वाला राज्य बन गए। मनरेगा से सामान्य दिनों में जो राहत मिल रही थी वो तो ठीक है, कोरोना काल में तो यह लाइफ लाइन बन गई और इसमें भी देश में सर्वाधिक काम देने का कीर्तिमान बना। लोहांडीगुड़ा में आदिवासी किसानों की जमीन वापसी से उपजा उत्साह प्रदेश में 200 फुट पार्क स्थापित करने का माध्यम बन गया। 101 के लिए जमीन चिन्हांकित हो चुकी है। हमने वादा किया था कि बेवजह जेल में ठूसे गए आदिवासियों को मुक्ति दिलाएंगे और आज मैं यह कह सकता हूं कि करीब 900 लोगों की मुक्ति सुनिश्चित की गई है। अब तो आमचो बस्तर की धमक भी सुनाई पड़ रही है। इमली, हल्दी, काजू, काफी को आप लोगों ने बस्तर ब्रांड बना दिया है। हम बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना बनाएंगे और इंद्रावती नदी को बचाएंगे। भोपालपट्टनम में बांस आधारित कारखाना लगाएंगे। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण करेंगे। दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर स्थापित करेंगे। बस्तर कुपोषण मुक्त होगा, मलेरिया मुक्त होगा और हर तरह के अन्यायों से भी मुक्त होगा, यह मेरा वादा है। नारायणपुर में उच्च क्षमता का मोबाइल टावर और जगदलपुर से हैदराबाद रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी से हालत और तेजी से बदलेंगे। अब बदलता हुआ बस्तर सबके सामने है और आप लोगों की आवाजों की चहक इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। काफी कुछ आप लोगों ने ही कह दिया है, मैं तो खाली यह कहूंगा हम ऐसे रास्ते बनाएंगे जो बस्तर को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आदिवासी और परंपरागत वनवासियों को न्याय दिलाने के लिए निरस्त दावों की समीक्षा का निर्णय लिया था। इस मामले में भी बड़ी उपलब्धियों का जिक्र हमारे श्रोताओं ने किया है, सुनते हैं कुछ विचार। मैं शिव तुमरेटी, ग्राम पंचायत खैरखेड़ा, विकासखंड चारमा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर। ग्राम पंचायत खैरखेड़ा को 24 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से CFR मिला है। हमें सामुदायिक निस्तार पत्रक, सामुदायिक पट्टा 4596 एकड़ का। उसमें हमने गौठान को जोड़ करके अभी काम करना चालू किए हैं, जिसमें बकरी, मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन और उसमें साथ साथ कंप्यूटर और सिलाई मशीन का भी काम चालू है, जिसमें हमारे कई बेरोजगार साथियों को और कई समूहों को हमने काम दे रखा है, उनको आय के जरिए भी जोड़े हैं। मेरा नाम संतराम भास्कर, ग्राम गमाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का मूल निवासी हूँ। आपके द्वारा अम आदिवासियों के लिए पेशा एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, हम सभी आदिवासी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आदिवासियों के लिए वन अधिकार पत्र अधिनियम का सही रूप से क्रियान्वयन कर सभी निरस्त केस का दोबारा सुनवाई करके हमारे भाई बंधुओं को वन अधिकार पत्र उपलब्ध कराया है। आपने हमारी आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दंतेवाड़ा जिले के समस्त देवगुड़ियों को पर्यटन के रूप में विकसित किया। हमारे आदिवासी संस्कृति धरोहर को पहली बार राज्य सरकार से प्राथमिकता मिली है। आपके सभी प्रयासों से जल, जंगल, जमीन का अधिकार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जो हुआ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुनकुराम पैकरा, ग्राम पंचायत झरन, तहसील लेलुंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। सरकार के द्वारा 10 ग्राम वासियों को वन अधिकार पत्रक मिला है, सब खुश हैं। हम वहाँ खेती कर रहे हैं,
फलदार वृक्ष लगाए हैं गांव के उपयोग हेतु चारागाह, तालाब, गौठान, स्कूल, खेल मैदान, शमशान घाट के लिए सामुदायिक वन अधिकार का पत्रक मिल गया है। आपके सरकार से पहली बार हमने गांव के देव सीमा का, जहां हम लोगों का पुरखा से निस्तार उपयोग करते आ रहे हैं, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार 2 अक्टूबर को मिल गया है, जिसका उपयोग ग्रामवासी करेंगे। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाकर गांव के लोगों का विकास करेंगे। धन्यवाद। वन अधिकार पत्र के दावों को खारिज करके जो अन्याय किया गया था, हमने सरकार में आते ही उस पर कार्रवाई का निर्णय लिया और तय किया था कि समीक्षा के उपरांत बड़े पैमाने पर वन अधिकार पट्टे दिए जाएंगे। इस प्रकार हमने निरस्त गांवों में से 40,000 से ज्यादा लोगों को व्यक्तिगत पट्टे दे दिए, 46,000 सामुदायिक पट्टे दिए। सामुदायिक पट्टे देने के मामले में यह तो एक नई क्रांति हुई है। इस प्रकार प्रदेश में 4,87,000 भू अधिकार पट्टों के माध्यम से 51,00,000 एकड़ भूमि का पट्टा दिया जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। यह कार्य सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुआ है। इन वन अधिकार पट्टों से मिली जमीनों में अब दर्जनों गांव में खेती, पशुपालन, मछली पालन तथा आजीविका के नए नए काम हो रहे हैं। मैं उन सभी परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन्हें ये पट्टे मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर आपने बड़ा अभियान छेड़ा, लेकिन इसी बीच कोरोना संकट के कारण स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, लेकिन ऐसे में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रही। इसके लिए आपने जो नवाचार किए हैं उसकी काफी चर्चा प्रदेश और देश में हो रही है। आपकी नवाचारी सोच और प्रयासों से जन्मी सफलता की कुछ कहानियां आइए सुनते हैं। जी, मैं अशोक सिंह लोधी, सहायक शिक्षक केलवी, शासकीय प्राथमिक शाला फाटपानी, विकासखंड बैकुंठपुर, जिला कोरियम पदस्थ हूं। जैसे ही लॉकडाउन लगा, हमारे विद्यालय ही नहीं अन्य राज्य के विद्यालय भी बंद हो गए थे। उस दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अनोखा पहल पढ़ाई तुम्हार द्वार के तहत ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कराया गया। चूंकि हमारे विद्यालय दूर अंचल क्षेत्र में होने के कारण वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है और वहां के अभिभावकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, हमारे विद्यालय में 70% पंडो जाति के बच्चे दर्ज हैं और गरीब हैं, जिससे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे। और जैसे ही पढ़ाई तुहर पारा प्रारंभ हुआ, हमने सोचा टीवी के माध्यम से मनोरंजन करते हुए बच्चे पढ़ेंगे और मुझे लगा कि बस्तर मुक्त विद्यालय हो सकेगा। इसके पश्चात हमने बाइक पर LED टीवी, ब्लूटूथ मोबाइल इन्वर्टर सेट बांधा और पूरे विद्यालय को ही लेकर बच्चों तक पहुंचा और हमने बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना प्रारंभ किया। मैं यहाँ खोर बहरा सोनवानी, शासकीय प्राथमिक शाला तेलीबांधा, विकास खंड व जिला महासमुंद से। सबसे पहली मैं अपन मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी ला बधाई देना चाहत हूँ कि ऐसन कोरोना संकट काल मा जेमा स्कूल बंद है तेमे हमर छत्तीसगढ़ शासन हा सुघर पढ़ाई घलो करवात हवे। ऐसन हमर मुखिया ला मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। लोगन मन के जो सोच रहा है कि सरकारी स्कूल के गुरुजी मन हा नहीं पढ़ाए, ऐसन सोच ला गलत साबित करे बर हमर मुखिया हा सुघर पढ़ाई तुहर पारा, पढ़ाई तुहर द्वार जैसे योजना ला संचालित करीस और एमे हमर सब गुरुजी मन बढ़ चढ़ के भाग लीस। उही मा हमू मन हा पढ़ावत हवन हमर स्कूल मा स्पीकर के बोल, जेमे हमन हा सब पाठ ला अपन आवाज मा लइका मन तक पहुंचाए प्रयास करथन, आवाज मा चीप मा रिकॉर्ड करथन, ओकर बाद वो चीप ला छोटे से स्पीकर में डाल के हमर गाँव मा लइका मन के पालक मन जगह छोड़ देथन। लइका के पालक मन हा ओला चलाथे, ओ मोहल्ला के लइका मन आके ओकर घर मा बैठ के पढ़थे। लोधी जी, सुनवानी जी, आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त शिक्षकों शिक्षिकाओं को दिल से साधुवाद देता हूँ। हमने 14,850 स्थायी शिक्षकों की भर्ती, पहली तथा दूसरी कक्षा के बच्चों को 20 बोली भाषाओं में द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों का वितरण, 51 सरकारी आदर्श अंग्रेजी मीडियम स्कूल, यह योजना स्वामी आत्मानंद जी के नाम से संचालित होगा। ऐसे बड़े निर्णय हमने लिए हैं। शिक्षा कर्मियों का संविलियन 2 वर्षों में पूरा करने का वादा भी निभाया है। कोरोना संकट काल में बच्चों को स्कूल भेजना जितना खतरनाक था, उससे भी ज्यादा खतरनाक था बच्चों की पढ़ाई ठप होना। इसलिए हमने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पहले पढ़ाई तुहर द्वार योजना शुरू की, जिसमें 22 लाख बच्चे और 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े। जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर समस्या आई,
तो पढ़ाई तुहर पारा योजना शुरू कर दी। इस योजना को अद्भुत सफलता मिली है और इससे बहुत बड़ा संदेश निकला है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं। आंकड़ों की वानगी भी देख लीजिए, 22,916 शिक्षकों द्वारा 34,917 बसाहटों के पारे मोहल्लों में कक्षाएं संचालित, 7,48,539 बच्चे पारा मोहल्लों में भौतिक दूरी और सुरक्षा के साथ कर रहे हैं पढ़ाई, 2,278 शिक्षक 4,298 दुर्गम स्थानों में 72,000 से अधिक बच्चों को करा रहे हैं पढ़ाई, इंटरनेट सुविधा विहीन स्थानों में ब्लूटूथ के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रदाय, बुलटू के बोल के माध्यम से 26,522 लोगों को 55,748 ऑडियो सामग्री संप्रेषित, पारो मोहल्लों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिस्ड कॉल गुरुजी, मोटरसाइकिल पर सिनेमा वाले बाबू जैसे नामों से मिल रही लोकप्रियता। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए जो प्रयास किए हैं उसकी चर्चा होती रही है, लेकिन हाल में आपने महात्मा गांधी के नाम पर एक अद्भुत विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया, इस पर भी विचार आए हैं, कृपया आइए सुनते हैं। मैं अनंत पांडे, तहसील लवन, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा का निवासी हूँ। इस समय मैं बरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन बिलासपुर में MSc एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। मैं सभी युवाओं की ओर से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 साल के भीतर ही महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया है। आपकी योजनाओं से किसानों और ग्रामीणों को आर्थिक स्थिति में सुधार आई है, लेकिन सवाल सिर्फ आज का नहीं है, भविष्य का है कि आगे क्या होगा। मेरा मानना है कि अनाज की खेती धान की खेती से आगे बढ़े बिना बहुत मुश्किल होगी। जब फसल ज्यादा होगी तो अच्छा दाम मिलना मुश्किल होगा, इसलिए उद्यानिकी और वानिकी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साग सब्जी फल के साथ वन और वनोपज को लेकर दूर की सोच जरूरी है। अनंत पांडे जी, आपने स्वयं ही विस्तार से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के बारे में बता दिया है। युवाओं को नए अवसर दिलाने के लिए प्रदेश में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा रोबोटिक की प्रयोगशालाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम सहित अनेक नए स्कूल कॉलेज खोले गए हैं। कॉलेजों में भी स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। मेरा विश्वास है टीचर्स और बच्चे मिलकर प्रदेश में उपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की नई क्रांति लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू की थी, उस योजना के हितग्राहियों ने भी अपनी कहानी सुनाई है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सोनी है, मैं यादव नगर तिफरा वार्ड नंबर 5 बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पुत्र कुणाल सोनी 8 वर्ष, जिसको ब्लड कैंसर हो गया था, जिसका इलाज विगत 2 वर्षों से एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज सही नहीं होने के कारण बीमारी रिटर्न हो गया। डॉक्टर के द्वारा बताया गया इसका इलाज अब बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन यहाँ संभव नहीं है और इसमें 20 से 30 लाख रुपया खर्चा होता है। चूंकि मैं एक मध्यम परिवार का व्यक्ति, इतना पैसा व्यवस्था करना असंभव था, लेकिन मुझे मालूम था कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नया योजना लागू किया है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। मैं उसी के माध्यम से CMC हॉस्पिटल वेल्यूर चला गया बच्चे का इलाज कराने, जहां डॉक्टर के द्वारा बताया इसमें लंबा खर्चा आएगा करके, कहां से पैसा लाओगे। तो मैंने कहा हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एक नया योजना लागू किया है जिसमें 20 लाख तक का मदद होता है करके। तो डॉक्टर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के लिए खुश होकर बोले, जब ऐसा है तो हम इलाज शुरू करते हैं करके। और मैं 104 के माध्यम से जानकारी लिया और जो डॉक्यूमेंट से बताया उसको जमा किया, जिसमें मेरे बच्चे के इलाज के लिए 20 लाख रुपए का सहायता हुआ और मेरे बच्चे का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ और इलाज हो गया। मैं जितना भी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करूं और धन्यवाद बोलूं, वो बहुत कम है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी देखा था न सुना था। जो आज के डेट में ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मिला, उसे मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और मेरा बहुत इच्छा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँ और मुख्यमंत्री जी का पैर पकड़कर प्रणाम करूँ।
मेरा नाम अजीत कुमार जांगड़े है। मैं ग्राम भोते तहसील जजयपुर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और मेरे पुत्र लक्की जांगड़े जिसका उम्र अभी 14 वर्ष है, मेरे बच्चे को मेजर थैलेसीमिया नाम की बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बोन मेरो ट्रांसप्लांट से किया जा सकता है, लेकिन इसका जो खर्च है वो करीबन 20-25 लाख रुपये आएगा करके, तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा पाऊंगा ये उम्मीद तो छोड़ दिया था। और डॉक्टर के कहे के अनुसार हर 15 से 20 दिन में मैं अपने बच्चे को मतलब 14 साल से मतलब हर 15 दिन में ब्लड लगवा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक नया योजना चालू किए जिसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, और मैं तत्काल मतलब कुछ संबंधित अधिकारियों से मैंने जानकारी लेकर के क्या क्या इस अनुदान को पाने के लिए कागजात चाहिए वो सारा कागजात मैं तत्काल वहाँ संबंधित विभाग में जमा किया और कुछ दिन के बाद ही मुझे 14 लाख का एक DD मुझे मिला। फोन करके मुझे बताया कि आपका इलाज के लिए पेमेंट स्वीकृति हो गया है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे बच्चे का इलाज मैं कभी करा पाऊंगा, लेकिन आज हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा योजना लागू किया जो हमारे परिवार के लिए मेरे बच्चे के लिए संजीवनी बूटी का काम किया, और मैं आज अपने बच्चे का इलाज CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में करा रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से मेरे बच्चे का 16 अगस्त 2020 को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है। हम मैं गर्व करता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो भूपेश बघेल सरकार है जिन्होंने इस प्रकार के योजना लागू की, और मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो इस प्रकार की योजना लाए। मैं एक बार और पुनः मैं मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का सर का प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम जिंदगी में हमारा जो परिवार है वो माननीय भूपेश बघेल जी का हम आभारी रहेंगे। भाइयों, निश्चित तौर पर संवेदना के स्तर पर मैं ऐसे हर परिवार के साथ जुड़ा हूँ जिन्हें इलाज के लिए मदद की जरूरत है, और कृपया कोई यह न समझे कि हमने किसी पर कोई उपकार किया है। यह सुविधा मिलना आपका हक था जो हमने आपको आदर विनम्रता और गरिमा के साथ दिया है। बात निकली है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 9 माह में 2,71,000 लोगों को 50,000 रूपए तक इलाज की सुविधा निःशुल्क दी गई है। वही मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 9 माह में 315 लोगों को 20 लाख रूपए तक उपचार की सुविधा दी गई है। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय और घरों तक पहुँचाया है। हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की अपार सफलता और लाखों लोगों के उपचार से प्रेरित होकर अब हमने डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना की शुरुआत की जा रही है। भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, इस माह से बड़े त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। कोरोना को देखते हुए हमें बड़े और भीड़ वाले कार्यक्रमों से बचना है, इसलिए न खुद ऐसे आयोजन करना है और न भीड़ में शामिल होना है। आप सबको नवरात्र, दशहरा, अग्रसेन जयंती, ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं। आप सबसे यही अनुरोध है कि मास्क के उपयोग सहित सुरक्षा के उपायों का पालन करें और घर में रहकर परिवार के साथ खुशियां मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 8 नवंबर 2020 को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बच्चों के साथ बातचीत प्रसारित की जाएगी। अतः 16 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं अपनी पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य जैसे विषयों पर अपने विचार 28, 29 और 30 अक्टूबर 2020 के बीच रख सकेंगे। पहले की तरह ही आप दिन में 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपनी बात रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर है 0771 के बाद 2430501, 2430502 और 2430503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।